अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सब लोग। बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हरा दी है। और जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे मैच से पहले या सीरीज से पहले कि 2-1 से हो सकता है, लेकिन इतना भरोसा भी नहीं था क्योंकि ये पाकिस्तान की ही टीम है और इसके शानदार कारनामे आपके सामने ही है जिस तरीके से हम लोग हारते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आज बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दी। ऐसा लग ही नहीं रहा है ये पाकिस्तान की टीम है और इस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। रिजवान की कप्तानी की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। तीनों मैचों में एक चीज़ बड़ी इंप्रेसिव रही कि इसने विकेटों को नहीं देखा, ओवर्स को नहीं देखा, इसने किल के लिए गया, बॉलर्स को वापस लेके आया, अपने फास्ट बॉलर्स को लेके आया, स्पिनर को ओवर नहीं दिया और ये इसने भरपूर एक अटैक रखा ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर और उसको खेलने का मौका ही नहीं दिया। मतलब 141 पे आज भी उसने ऑल आउट कर दिया, परसों जो मैच हुआ उसमें 161 पे ऑल आउट कर दिया। तो ये कोई मजाक तो नहीं है, फ्लूक एक दफा हो सकता है, हर दफा नहीं हो सकता। पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया बहुत लकी था जो कि 8 विकेटों पे वो रन बना पाया। प्रॉब्लम क्या आ रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनकी बैटिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आ रही। ODI खेलने का जो स्टेमिना चाहिए वो उनको समझ नहीं आ रहा। या तो वो टेस्ट क्रिकेट खेल लेंगे या T20 खेल लेंगे, ODI को किस तरीके से खेलना है, कब मारना है, कब रोकना है, कब सिंगल डबल करना है, ये बड़ा मुश्किल गेम है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उनके पास ODI के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं नहीं। अब एक और भी प्रॉब्लम है जो कि देखने की ज़रूरत है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो लाइनअप सेलेक्ट करी इस बार उसमें ज़्यादा सारे बच्चे ही भर दिए। मतलब सारे यंगस्टर्स को अगर आप खिलाओगे तो फिर टीमों के खिलाफ कौन खेलेगा भाई? सारे यंगस्टर्स खिलाओगे तो फिर रिजल्ट तो आपकी फेवर में नहीं आ सकते। आप इस सीरीज में देखो कि कौन कौन नहीं था। ट्रेविस हेड नहीं था, मिचेल मार्श नहीं था, आखिरी वनडे में तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, लबुशन कोई भी नहीं था। तो आपने डिसाइडर मैच से पहले आपने अपने सारे बड़े प्लेयर्स बिठा दिए, ये भी एक सवालिया निशान है भाई ऑस्ट्रेलिया पे। भाई अभी टेस्ट सीरीज में 10-12 दिन है, आप इनको खेल से दे सकते थे आखिरी मैच, एक मैच से कुछ नहीं हो जाना था, लेकिन आपने इनको रेस्ट दिया और अपनी सीरीज आपने हरवा दी। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लिए बड़े पॉजिटिव्स हैं मगर काफ़ी चीज़ें देखने वाली भी हैं जो कि फ्यूचर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, रिजवान, आकिब जावेद और इन सबको देखने की ज़रूरत है। वो ये है कि आपके पास स्पिनर नहीं है, अभी तो फ्लैट विकेटें नहीं है, अभी तो बॉलिंग विकेटें हैं, बाउंसी विकेट्स हैं, तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। आपके बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें निकाल रहे हैं और आप मैच को निकाल के ले जा रहे हो, लेकिन ये फ्लैट विकेट्स आएंगी तो यही बॉलर पिट भी रहे होंगे और आपके पास स्पिनर भी नहीं होगा। नंबर 1 स्पिनर पे काम करें, कोई भी एक स्पिनर को उठा लें और उसको वनडे खिलाएं रेगुलर, ताकि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी अगर वो होती है तो उसके लिए एक बंदा तैयार हो। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो बैट्समैन है स्टार्टिंग में वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे अब्दुल्ला शफीक है, बहुत बॉल्स ले रहा है। साइम अयूब चलो चल रहा है, लेकिन इतना उसने सेकंड इन सेकंड मैच में बहुत अच्छा खेला, अभी उसको फ्लरिश होने में टाइम लगेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी खामियों पर काबू पा रहा है। फखर जमा को वापस आना है तो वो मोस्ट प्रॉबली अब्दुल्ला शफीक की ही जगह लेगा। एक तो ये मसला है, दूसरा मसला ये है कि आपकी जो मिडल ऑर्डर और जो नीचे का ऑर्डर है वो टेस्ट नहीं हुआ इस सीरीज में, तो अब आगे आपने उसको टेस्ट करना है। क्योंकि देखो जब बड़ी टीमें आएंगी स्पिनर्स पे ये लोग सब फंसेंगे और विकटें इस तरह की नहीं मिलेंगी, तो फिर आपके पास कामरान गुलाम, आगा सलमान और इरफान नियाजी, इनको चेक करने का मौका अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब तगड़ी टीम खेलेगी जैसे इंडिया की टीम है, जब आप उससे खेलोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि आप किस पानी में खड़े हो। अभी तो समझ लो आपकी टीम टेस्ट ही नहीं हुई और इस पर इसीलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खामियों पर खामियों को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका रियल टेस्ट बाकी है। ठीक है, आपने बॉलिंग अच्छी करी, आपने आउट कर लिया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खेल रही थी और जो कंडीशन थी आपके बॉलर्स को सूट कर गई। शाहीन शाह इस वक्त भी 130+ बॉलिंग नहीं कर रहा, जो कि बड़ा ही एक परेशान कुन है हमारे लिए, क्योंकि ये बंदा 145-150 टच करता था। इसकी बॉलिंग में वो जिप नहीं है, जिप नहीं होगा तो आपको फ्लैट विकेटों पे नहीं मिलेंगी विकेटें। नसीम शाह की फिटनेस का बड़ा इशू आ रहा है उसका, आप देखो तो वो भी 150 के अक्रॉस बॉलिंग करता था, वो भी 135 से आगे नहीं जा पा रहा है। सिर्फ एक बॉलर था हारिस रऊफ जिसने इस सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, नपीतुली बॉलिंग करी और पेस के साथ करी। बाकी हसनैन भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और वो भी अपने पेस पे जो उसका 145-150 जाता था वो उस पर नहीं पहुंच पा रहा। अब करना क्या पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को कि इन सारे लड़कों को उठाएं, कायदे आज़म ट्रॉफी में भेजें और उनको बोलेंगे कम से कम भी 3 से 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलो, अपने रिदम को वापस लेके आओ, अपने पेस को वापस लेके आओ, अपनी फिटनेस को वापस लेके आओ, ताकि जो अगली सीरीज आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें आपका पेस भी बहाल हो, फिटनेस भी बहाल हो और आप लंबे स्पेल करने के आदी हो। या आहिस्ता आहिस्ता खेल खेल के ही आएगा, ये 10-10 ओवर के आपने 3 मैच तो खेल लिए, अब आप जाओ डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास मैचेस खेलो। अच्छा, बाबर, रिजवान ये सब अभी फारिग होंगे, रिजवान तो चलो जा रहा है T20 में और जिम्बाब्वे भी, लेकिन बाबर को चाहिए कि अब जाके अपने डोमेस्टिक में टाइम लगाए।
सेम गोज फॉर अब्दुल्ला शफीक एज वेल। ये लोग डोमेस्टिक खेलें, अपनी खामियों पे काम करें और इंशाल्लाह रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे पाकिस्तान के लिए और चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। अभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट है कंसिडरिंग सर्कमस्टांसिस कि भाई हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, अभी भी बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, लेकिन चलो स्टार्ट अच्छा है। रिजवानी कप्तानी के लिए स्टार्ट अच्छा है कि आपने एक सीरीज विन के साथ आगाज़ किया। बाकी पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकिस्तान ऐसी पॉजिटिव खेले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, अपने रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। सब लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।